स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 14 में आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम क्लेथरेट कंपाउंड्स और इंक्लूजन एंड क्लेथरेट कंपाउंड्स के एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्लेथरेट कंपाउंड्स क्या होते हैं। द टर्म क्लेथरेट डिराइव फ्रॉम द लैटिन क्लेथरेटस लिटरली मीनिंग एनक्लोज बाय द बार्स ऑफ ए ग्रैटिंग। जो क्लेथरेट का जो शब्द है वो लैटिन शब्द क्लेथरेटस से आया है जिसका मतलब होता है एनक्लोज बाय द बार्स ऑफ ए ग्रेटिंग। क्लियर। क्लेथरेट कंपाउंड्स आर द केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोक्विनोन इंक्लूजन कंपाउंड्स। क्लेथरेट कंपाउंड्स हैं वो हाइड्रोक्विनोन इंक्लूजन कंपाउंड्स का केज लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्लियर। दिस कंप्राइज द सेकेंड क्लास ऑफ पॉलीमोलिकुलर इंक्लूजन कंपाउंड्स। क्लेथरेट कंपाउंड्स भी एक प्रकार से इंक्लूजन कंपाउंड्स ही होते हैं जो कि यानी कि जो पॉलीमोलिकुलर इंक्लूजन कंपाउंड्स है उसके सेकेंड क्लास में इंक्लूड होते हैं क्लेथरेट कंपाउंड्स। इन एडिशन टू हाइड्रोक्विनोन दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ वाटर और गैस हाइड्रेट्स टेटा एथाइल अमोनियम हाइड्रेट्स फिनॉल्स डायनिन्स कंपाउंड्स ए प्रोडक्ट ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ फिनॉल एंड मैसेटिल ऑक्साइड। डायनिन कंपाउंड्स क्या होता है? फिनॉल और मैसेटिल ऑक्साइड का कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है। साइक्लोवेरेट्रिल एंड नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेज इन एडिशन टू हाइड्रोक्विनोन नोन टू मेक केज लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हाइड्रोक्विनोन के अलावा जो क्लेथरेट्स में है इसमें वाटर गैस हाइड्रेट्स भी आते हैं, टेटा एथाइल अमोनियम हाइड्रेट्स भी आते हैं, फिनॉल भी आता है, डायनिन कंपाउंड भी आता है जो कि फिनॉल और मैसेटिल ऑक्साइड का कंडेंसेशन कंपाउंड है। इसी प्रकार साइक्लोवेरेट्रिल और नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इन एडिशन टू हाइड्रोक्विनोन के अलावा आते हैं जो कि केज लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल इफ आर्गन क्रिप्टोनोजिनोन इज डिजोल्व एट 10 to 40 एटमोस्फेरिक प्रेशर इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ क्विनोल एंड देन ऑन कूलिंग द सॉल्यूशन क्विनोल क्लेथरेट्स आर फॉर्म। क्लियर। एग्जाम्पल के लिए जब आर्गन क्रिप्टोनोजिनोन को 10 to 40 एटमोस्फेरिक प्रेशर पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्विनोल में डिजोल्व किया जाता है और फिर उसको ठंडा किया जाता है तब क्विनोल क्लेथरेट्स का निर्माण होता है। क्योंकि ये जो इंक्लूजन कंपाउंड्स होते हैं और ये क्लेथरेट्स होते हैं ये जब गेस्ट होस्ट मॉलिक्यूल्स का क्रिस्टलाइजेशन जब गेस्ट मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में करवाते हैं तब क्रिस्टलाइजेशन के दौरान जो होस्ट मॉलिक्यूल से जो कैविटी का निर्माण करता है या केज का निर्माण करता है लेटिस का निर्माण करता है उसमें ये गेस्ट मॉलिक्यूल्स जो उसकी फिट हो सकें वो उसमें फिट हो जाते हैं और जो अगर फिट नहीं होते हैं जिनकी साइज या तो ज़्यादा बड़ी होती है ज़्यादा छोटी होती है वह कैद होने से बच जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब आर्गन क्रिप्टोनोजिनोन को जब 10 से 40 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्विनोल के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिजोल्व किया जाता है फिर उसको कूल किया जाता है तो क्लेथरेट क्विनोल क्लेथरेट कंपाउंड का निर्माण होता है। तो द क्विनोल मॉलिक्यूल बाउंड टुगेदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो क्विनोल मॉलिक्यूल्स है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े होते हैं और एक स्मॉल कैविटी का निर्माण करते हैं जिसमें ये नोबल गैस के एटम्स क्या हो जाते हैं फिट हो जाते हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस क्लेथरेट्स इन क्लेथरेट्स के हेल्प के द्वारा नियोन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द आर्गन क्रिप्टोन और जीनोन बिकॉज नियोन बींग स्मॉल इन साइज एस्केप्स आउट वाइल द अदर गैसेज आर ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लेथरेट्स। क्लियर। इस क्लेथरेट्स निर्माण के कारण क्या होता है कि जो नियोन है उसको आर्गन क्रिप्टोन और जीनोन से अपन सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि नियोन की साइज छोटी होने के कारण यह इसमें कैद होने से बच जाती है। जो स्ट्रक्चर में ये तीन क्विनोल मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े हुए हैं और इनके बीच में कैविटी का निर्माण होता है। अब जो इस कैविटी में जिसकी साइज इस कैविटी से थोड़ी छोटी होगी वह इस कैविटी में आराम से आ सकता है फिट हो सकता है। तो जैसे आर्गन इसमें फिट है तो आर्गन एटम एज गेस्ट इन क्विनोल क्लेथरेट्स। क्लियर। लेकिन यहाँ पर नियोन की साइज छोटी होने के कारण वह इस पिंजरे में आने से कैद होने से बच जाती है। क्लियर। लेकिन आर्गन क्रिप्टोनोजिनोन इस पिंजरे में आ सकते हैं इस कैविटी में आ सकते हैं। तो ये आर्गन क्रिप्टोनोजिनोन क्विनोल हाइड्रोक्विनोन के साथ क्या निर्माण करते हैं क्विनोल के साथ एक क्लेथरेट का निर्माण करते हैं जिसको बोलते हैं क्विनोल क्लेथरेट। क्लियर। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंक्लूजन एंड क्लेथरेट कंपाउंड्स। क्लेथरेट और इंक्लूजन कंपाउंड्स की एप्लीकेशन क्या क्या है क्या क्या यूज होते हैं। द मोस्ट कॉमन
एप्लीकेशन ऑफ इंक्लूजन कंपाउंड इज द स्टार्च आयोडीन रिएक्शन यूज इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। जो मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है इंक्लूजन कंपाउंड्स की वो क्या है, स्टार्च आयोडीन रिएक्शन, जो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज में लिए जाती है। अपन ने अभी जस्ट पढ़ा भी है कि जो स्टार्च है आयोडीन, आयोडीन है स्टार्च के साथ तो ब्लू कलर दे देता है, लेकिन स्टार्च के अलावा अगर कोई और कंपाउंड्स हो जैसे फैटी एसिड्स हो तो उनके साथ ये ब्लू कलर नहीं देता है, ठीक है। और इसी प्रकार से जो जनरल यूज हैं इंक्लूजन कंपाउंड्स के, उनको तीन कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले रिजोल्यूशन ऑफ मिक्सर्स, स्टोरिंग सब्सटेंसेज, और थर्ड है ट्रांसपोर्ट ऑफ कंपाउंड्स। सबसे पहले एक एक को डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ मिक्सर्स। द यूरिया कॉम्प्लेक्सेज आर फ्रिक्वेंटली यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। यूरिया जो कॉम्प्लेक्स है, जो कि एक केनाल लाइक इंक्लूजन कंपाउंड है, वह स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स को सेपरेशन में काम में आता है। इट इज़ वेल नोन दैट ब्रांच चेन एल्केन्स गिव बेटर मोटर फ्यूल्स देन डू स्ट्रेट चेन एल्केन्स। जो ब्रांच चेन एल्केन्स है वह बेटर मोटर फ्यूल्स देते हैं, जबकि स्ट्रेट चेन एल्केन्स नहीं देते। सो रिमूवल ऑफ द लेटर थ्रू द यूरिया कॉम्प्लेक्स विल अपग्रेड ए फ्यूल। सो स्ट्रेट चेन एल्केन्स को यूरिया कॉम्प्लेक्स देते हैं तो यह फ्यूल्स को अपग्रेड करने में काम आएगा, क्योंकि स्ट्रेट चेन एल्केन्स जैसे बेटर मोटर फ्यूल में काम नहीं आते, वो नहीं देते, इसलिए केवल उसमें क्या रह जाएगा, ब्रांच चेन एल्केन्स। तो ब्रांच चेन और स्ट्रेट चेन एल्केन्स के सेपरेशन में क्या काम आ रहा है, यूरिया कॉम्प्लेक्स। इसी प्रकार से सिस ट्रांस आइसोमर्स जैसे मैलेट और फ्यूमरेट कैन रेडिली बी सेपरेटेड बाय यूरिया कॉम्प्लेक्स। तो मैलेट और फ्यूमरेट को भी यूरिया कॉम्प्लेक्स के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन है स्टोरिंग सब्सटेंसेज। सब्सटेंसेज मे बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ देयर इंक्लूजन कंपाउंड। सब्सटेंसेज को इंक्लूजन कंपाउंड्स के फॉर्म के रूप में स्टोर किया जा सकता है। फॉर एक्सटेंस द ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ ओलिक एसिड डज नॉट अकर व्हेन द एसिड इज इन द फॉर्म ऑफ द यूरिया कॉम्प्लेक्स। क्लियर, जब ओलिक एसिड यूरिया कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होता है तो उसका ऑटो ऑक्सीडेशन नहीं होता है। इसी प्रकार विटामिन ए एंड अदर पॉलीअनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ देयर ओलिक एसिड और साइक्लोडेक्सट्रिन इंक्लूजन कंपाउंड। इसी प्रकार विटामिन ए और अदर पॉलीअनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को भी ओलिक एसिड और साइक्लोडेक्सट्रिन इंक्लूजन कंपाउंड्स के फॉर्म में स्टोर किया जा सकता है। अदरवाइज दिस अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स इन प्योर स्टेट गेट ऑटोमेटिकली ऑटो ऑक्सीडाइज बाई एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन। नहीं तो ये जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है उनका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के उपस्थिति में ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्लियर, जब वो प्योर स्टेट में होते हैं। तो थर्ड है ट्रांसपोर्ट ऑफ कंपाउंड्स। इंक्लूजन कंपाउंड्स में हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शन सच एज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन। इंक्लूजन कंपाउंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शन भी होता है, जैसे ये सब्सटेंसेस को सेल मेम्ब्रेन से द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी काम में आते हैं। ये रेफरेंसेज हैं। धन्यवाद।